जिसने परिचय कराया हम सबका कला और कौशल से, जिसने परिचय कराया हम सबका कला और कौशल से, उस विश्वकर्मा पूजा की आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा कि हम सभी जानते हैं कि छेनी हथौड़ी है जरूरी भगवान विश्वकर्मा के लिए या कोई भी मजदूर के लिए, जिस तरह जरूरी है छेनी और हथौड़ी भगवान विश्वकर्मा या किसी के लिए भी, उसी का प्रतीक है विश्वकर्मा पूजा का यह त्यौहार, उसी का प्रतीक है विश्वकर्मा पूजा का यह त्यौहार। आदरणीय शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात और विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वकर्मा पूजा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इस दिन सबसे बड़े वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा पूरे भारत में हर साल 17 सितंबर को बहुत धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पूजा कन्या संक्रांति को भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा जी को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। कहा गया है कि प्राचीन काल की सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा यानी विश्व के निर्माण या सृजन करने वाले। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार थे। स्वर्ग लोक, सोने की लंका, हस्तिनापुर, द्वारिका इन्होंने ही निर्मित की थी। इस दिन लोग अपने घरों, दुकानों, कारखानों और उद्योगों का अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को शिल्पकार भी कहा जाता है, और यह पूजा उन लोगों के लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है जो कलाकार, शिल्पकार और व्यापारी है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार जाती है। उसके बाद विश्वकर्मा जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और भोग फल फूल से लगाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा से जीवन सुखी जीवन की कामना करते हैं और अगले दिन मूर्ति का विधिवत विसर्जित करते हैं। धन्यवाद।